नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएमटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। के पावन पर्व पर धार जिले के बदनावर के मुल्तान में भी परंपरागत चूल मेले का आयोजन किया गया था, जिसमें वर्षों से चली आ रही मान्यता अनुसार मन्नतधारी भक्त द्वारा दहकते अंगारों पर नंगे पैर चलकर मन्नतें पूरी की गईं। इस अवसर पर कोरोना महामारी के चलते लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क भी पहने हुए थे और आवश्यक दूरी अपनाते हुए बड़ी संख्या में महिला पुरुष भक्तों ने पर्व में भाग लिया। लोगों की मान्यता है, होली के अवसर पर स्थानीय मंदिर में भैरव बाबा से विभिन्न मान मानी जाने के बाद पूर्ण होने पर धड़कते अंगारों पर चलकर उन मन्नतों को उतारा जाता है एवं भगवान को पूजा प्रसाद चढ़ाकर मान पूरी होती है। इस दौरान आए भक्तों को प्रसादी वितरण भी किया। उक्त आयोजन में दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। दोनों बालक हैं, एक दूसरे से शादी करना चाहते थे और इसके लिए लड़के वालों ने करीब महीने भर पहले रिश्ता भी लड़की वालों को यहाँ पे लेके गए, लेकिन लड़के वालों ने किसी कारण से मंजूर नहीं किया था। इन दोनों के अभी भी प्रेम प्रसंग चल रहे थे और उसी बात को लेकर आज लड़की वालों ने, पूजा के परिवार वालों ने लड़के दुर्गेश के साथ मारपीट की थी, जिसका थाने पे मुकदमा भी कायम किया है मारपीट का। और उसके बाद दोनों परिवार में सहमति बनी है और उसी के चलते आज थाने पे ही दोनों पक्षों की मर्जी से यहाँ पे पूजा और दुर्गेश ने एक दूसरे के गले में वरमाला डालकर अब एक दूसरे को अपना जीवन साथी बना लिया है और शादी की है। वो दोनों परिवार की सहमति से ये शादी हुई है। आपने अभी तक टीएमटी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।